चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। दिनों चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया था, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को कुछ बातें याद करने की सलाह दे डाली है। जी हां, तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को कहा है कि चिराग पासवान थोड़ा जो हम सब के नेता थे रामविलास पासवान, उनकी बातों को याद करें, उनकी भाषणों को सुने, तब उन्हें समझ में आएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने चिराग पासवान से उनका घर छीना, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने रामविलास पासवान की मूर्ति को उठाकर फेंक दिया था, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो चाचा और भतीजे में यानी उनके घर में लड़ाई लगवाई। इतना कुछ होने के बावजूद आखिर चिराग पासवान कैसे उनके हनुमान बने फिरते हैं? जी हां, तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को ये बातें याद दिलाई है। साथ ही कहा है कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो उनके पार्टी का सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया है, घर में चाचे भतीजे जो मैं लड़ाई लगवा दी, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान को क्या हो गया है, स्वतंत्र हैं किसी के साथ भी रहने के लिए, लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान को पूरी जानकारी नहीं है, ना ही आरक्षण के बारे में इतिहास को उनको जानकारी है। थोड़ा आरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करें और जानकारी तभी उनको प्राप्त हो सकती है तब अपने पिताजी रामविलास जी जो हम सब के नेता थे उनके भाषणों को सुनेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो जरा सुने आप। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए, और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई, फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र हैं किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने समझें। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती, दंगाई पार्टी है, इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था, तो ये सब लोग जानते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना, वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं, थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। बीजेपी के मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है, ये यथार्थ है, सच्चाई है। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आंख खोल के कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता सांसद कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे। लेकिन विजय चौधरी कह रहे हैं कि जो रामकृपाल यादव हैं वो ऐसे उम्मीदवार हैं कि लोगों को चिंता खून से हो रही है। विजय चौधरी, अरे कौन किसके बारे में क्या कहता है, हम सबके लट्ठे का लिए
तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, साफ तौर पर चिराग पासवान को वो बातें याद दिलाई हैं जो पहले बीत चुकी है। ऐसे में ये भी सलाह दी डाली है कि अपने पिता जो हम सबके नेता थे रामविलास पासवान, उनकी भाषणों को सुने, तभी चिराग पासवान को सब कुछ पता चलेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।